हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नई वीडियो में गाइस आप सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम है आरजे गगन, आप देख रहे हैं द मयंक राइडर। तो ये वीडियो गाइस डेडिकेटेड होने वाली है मेरे किसी सब्सक्राइबर के ऊपर। तो किसी मेरे सब्सक्राइबर ने गाइस मुझे कमेंट किया था कि भाई मुझे 10,000 के अंदर बेस्ट एक्शन कैमरा बता दीजिए। तो ये उसी के ऊपर जो है वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 10,000 के अंदर बेस्ट मोटो व्लॉगिंग कैमरा, जिसमें GoPro की टक्कर के साथ गाइस सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ। मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊँगा, क्योंकि मैंने खुद भी उसको यूज़ किया है एंड यूज़ अभी भी कर रहा हूँ। ये वीडियो जो बना रहा हूँ उसी कैमरे से जो बना रहा हूँ मैं। तो अभी आगे आप सभी को भी इस वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कौन सा कैमरा जो है यूज़ करता हूँ। ऑडियो क्वालिटी आप लोग सुन ही पा रहे होंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड वीडियो नॉलेजेबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना गाइस एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना अगर कोई मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है तो। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो अगर गाइस आप लोग मोटो व्लॉगिंग में इंटरेस्टेड होते हैं या आप लोग मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो गाइस आप सभी को ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा पता हुआ कि गाइस बेस्ट एक्शन कैमरा होना ज़रूरी है एंड ऑडियो क्वालिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग तो गाइस वॉइस ओवर भी करते हैं, पर वॉइस ओवर में इतना मज़ा नहीं आता गाइस जितना लाइव कमेंट्री में आता है। ये सब आप सब बहुत बाखूबी जानते हैं एंड व्यूअर्स को भी यही पसंद आता है कि जो है लाइव कमेंट्री जो है होनी चाहिए। एंड यहाँ भाई ये लोग रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं, इस वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो गाइस मैं जो है पर्सनली जो यूज़ कर रहा हूँ अभी, जिससे वीडियो शूट हो रही है, वो है गाइस SD कैम का SD6 लेजेंड। एंड मैं इसे क्यों यूज़ करता हूँ एंड क्यों आप सभी को प्रेफर कर रहा हूँ ये भी मैं आप सभी को बताऊँगा। तो इसका गाइस यूज़ करने का सिंपल सा कारण, क्योंकि गाइस इसमें जो है आप सभी को एक्सटर्नल माइक सपोर्टेड मिलता है। इसमें आप लोग एक्सटर्नल माइक जो है सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इसी कंपनी का आता है, SD Cam 6 का ही या SD Cam कंपनी का ही। तो माइक इसका जो है आप सभी को 600 to 1500 जो है मिल जाएगा आपको अराउंड इसके बीच में एंड ऑडियो क्वालिटी थोड़ी डिसेंट है। तो अब बात करते हैं गाइस कैमरे की। तो गाइस कैमरा आप लोग ओवरऑल देख लीजिए कुछ इस तरह से दिखता है एंड ऊपर की तरफ गाइस आप सभी को मिलता है ओके का बटन, जिससे आप लोग वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। साइड की तरफ देख लें गाइस तो पावर बटन मिलता है एंड सेटिंग्स की बटन मिल जाती है। नीचे की तरफ देख लें गाइस तो इस पर बैटरी स्लॉट एंड आप लोग ट्राइपॉड माउंट कर सकते हैं। तो आप लोग जो दूसरी साइड देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे आप लोग सभी को मिल जाता है मेमोरी कार्ड स्लॉट एंड एक स्पीकर ग्रिल एंड मिल जाता है इस पर आप लोगों को USB, यहाँ से भी आप चार्ज करेंगे गाइस अपने कैमरे को एंड यहीं पे गाइस एक्सटर्नल माइक भी लगता है, जिससे आप लोग ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। एंड अब बात कर लें गाइस इसकी स्क्रीन की, तो गाइस सामने की तरफ आप लोग देख सकते हो एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है एंड बैक साइड पर गाइस आप सभी को मिलता है इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले। तो दो स्क्रीन्स गाइस टोटली इसमें मिलती है। सामने की तरफ आपको छोटा सा प्यारा सा लेंस मिल जाता है जो कि कैमरा है एंड टच गाइस इसका काफ़ी अच्छा जो चलता है, मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोग देख ही पा रहे हैं। एंड सामने की तरफ गाइस CP Mall 67 एंड झंडा लगा हुआ है, इतना प्यारा जो है लहरता है ना भाई साहब, इसी से तो हमारा मान बढ़ता है यार, हमारे झंडा ही हमारा सब कुछ है भाई। तो गाइस कैमरा मैंने आप सभी को दिखा दिया, टच स्क्रीन है गाइस एंड काफ़ी कुछ है इसमें। जायरो स्टेबलाइजेशन है एंड 4K क्वालिटी तक गाइस ये रिकॉर्ड कर सकता है कैमरा। तो एक बेस्ट कैमरा है ये गाइस फॉर बिगनर्स, नॉट फॉर गाइस जो एक्सपीरियंस हो गया है, जिनको गाइस बहुत मतलब जो ग्रो कर चुके हैं भाई गाइस, वो तो GoPro पे स्विच कर जाते हैं। पर मैं अभी GoPro पे स्विच नहीं किया हूँ, क्यों गाइस? उसके पीछे एक वैलिड रीज़न है, क्योंकि अभी गाइस मैं सच बताऊँ तो गाइस अभी इतना जो है एक्सपर्ट नहीं हो गया हूँ। मुझे 3 महीने हो गए गाइस इस कैमरे को परचेज किए हुए, मैंने दिसंबर में परचेज किया था एंड आज है मार्च 2, तो गाइस ऑलमोस्ट 3 महीने से ऊपर हो रहे हैं। तो इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ गाइस बहुत अच्छा रहा यार। इस बजट सेगमेंट में गाइस ऐसा कैमरा मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर सेकंड हैंड आप GoPro भी लेने जाते हैं ना कि जिसमें एक्सटर्नल माइक सपोर्ट करता हो, तो गाइस 7 तो आपको मिलेगा नहीं एंड अगर 8 लेंगे तो गाइस कम से कम को 20,000 रुपीज़ तक का आप सभी को बैठेगा एंड उसी में ही गाइस आप सभी को एक्सटर्नल माइक जो है सपोर्टेड मिलता है। पर अभी GoPro जो है गाइस हमारे मेरे बजट से बाहर है, तो थोड़े दिन गाइस रुकेंगे हम भी, 1-2 महीने, उसके बाद देखते हैं GoPro पे स्विच करेंगे। पर अगर गाइस बात करें ना बिगनर्स के लिए मोटो व्लॉगिंग जो स्टार्ट करना चाहते हैं,
उनके लिए ये कैमरा गाइस सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। बस थोड़ा सा गाइस इसमें यही है कि गाइस थोड़ा सा ऑडियो जो है इसमें जब हम लोग ज़्यादा फास्ट चलते हैं ना तो थोड़ी सी गाइस विंड की वजह से जो है फटी आवाज़ आती है। अदरवाइज़ अगर हम रुक के रिकॉर्ड करते हैं ना तो गाइस इसकी माइक भी काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी दे देता है। तो गाइस कई लोगों के रिव्यू मैंने भी देखे हैं गाइस SJKM माइक के कि वो लोग बोलते हैं फटी आवाज़ आती है। तो गाइस ये सही है, ऐसा मैं भी आप सभी को बताता हूँ। विंड आता है गाइस उसको जो है थोड़ा सा कैंसिल नहीं कर पाता ये माइक, बस इसका यही एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज काफ़ी अच्छा माइक है यार। देखो गाइस बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट माइक रहेगा, इसमें आपको एक्सटर्नल माइक मिलता है, कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैटरी बैकअप भी आप सभी को ठीक ठाक मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं गाइस इसका प्राइस कितना है। तो देखिए गाइस डिपेंड करता है गाइस आप कैसे ले रहे हैं। ऑनलाइन ले रहे हैं तो गाइस आप सभी को 9,999 रुपये में मिल सकता है, एंड 10,000 से भी ऊपर वरी करता रहता है कि हाँ भाई कभी 10,500 कभी 11,000 मैंने देखा है खुद से परचेज किया है। तो मैंने जब परचेज किया था गाइस तो मैंने इसको परचेज किया था 11,000 के समथिंग अराउंड में, 1500 रुपये का माइक लिया था। तो गाइस ऑलमोस्ट 12,500 रुपये लग गए थे मेरे पूरे टोटल सेटअप में, एंड हेलमेट मैंने ऑलरेडी अलग से परचेज किया था जो कि आप सभी को परचेज करना पड़ेगा। तो गाइस 12,500 में पूरा कैमरे का सेटअप बन जाता है एंड आप लोग मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं गाइस पर्सनली प्रेफर करता हूँ आप लोग SJKM SJ6 लेजेंड ले लीजिए। अगर आपको सभी को अभी एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है मोटर व्लॉगिंग का तो स्टार्टिंग गाइस इसी से कर लीजिए, क्योंकि मैं भी अभी इसी से ही वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है गाइस मैं आप सभी को ठीक से समझा पाया हूँ, मैंने आप सभी को इसका प्राइस बता दिया, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें मिल जाती हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें भी आप सभी को बता दिया। सबसे बड़ी चीज़ गाइस इसमें टच स्क्रीन मिल जाती है जो कि इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी है। तो ऑल ओवर गाइस मैंने आप सभी को कैमरा पूरा बता दिया, दिखा दिया, प्राइस बता दी है। तो ओवरऑल गाइस मैंने सब कुछ समझा दिया आप सभी को, कैमरा बता दिया है। तो उम्मीद है गाइस आप सभी को समझ आ गया होगा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा सारा कॉन्सेप्ट जो मैं आप सभी को समझाना चाहता था। तो चैनल पर नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। तक चलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर गाइस एंड राइड सेफ गाइस।